हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शिफ्ट कोड के बारे में जानने वाले हैं कि दोस्तों जब हम अपना हमारा यूट्यूब चैनल जब मोनिटाइज होता है तो जो हमारा जो शिफ्ट कोड जब मांगता है, जब हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो हम शिफ्ट कोड कैसे पता करें और कहाँ से उसको लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट कोड के बारे में हम अपने ब्रांच में जाएंगे, बैंक में जाएंगे और वहाँ का जो हेड है उनसे हम बात करेंगे। तो जब वो शिफ्ट कोड हमें नहीं देते हैं तब हम उसके बारे में, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम गूगल से ट्राई कर सकते हैं। गूगल से ट्राई कैसे कर सकते हैं हम, मतलब घर बैठे शिफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन के आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाके यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर खोल लिया और उसके बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है शिफ्ट आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने जो सर्च किया है आप देख सकते हो, उसको स्टेप बाय स्टेप सर्च करो अपने गूगल पे। और अपने जब जो पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, ये वाली, आपको यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट कोड पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा शिफ्ट कोड है, तो वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना यहाँ पे कंट्री मांग रहा है तो कंट्री सिलेक्ट कर लेना। तो मैं इंडिया से हूँ, इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा बैंक है, सिलेक्ट योर बैंक। तो मेरा HDFC बैंक है, HDFC, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सिटी, दोस्तों जैसे कि हमारा जो सिटी है वो सिटी का नाम नहीं आ रहा। तो दोस्तों बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होगा कि सिटी का नाम नहीं शो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने नज़दीकी का जो हमारी सिटी है हमें उसको सर्च करके देख लेना। तो जैसे कि हमारे नज़दीकी में कानपुर है तो हम कानपुर को सर्च करेंगे दोस्तों, कानपुर आ रहा है यहाँ पे। तो हम इसको जब जैसे इतनी डिटेल सबमिट करने के बाद हम इसको फाइंड शिफ्ट कोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जब नीचे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो शिफ्ट कोड है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। आप देख सकते हो ये चीज़, ये यहाँ पे हमें शो करें। हम इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इसको कहीं भी नोट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अन्य किसी जानकारी को चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे नए नए टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं, जो आपके लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और अगर आपको कोई भी बैंक में या कोई आप आउट में देहात में रहते हो और आपका शिफ्ट कोड ना पता चल रहा हो आपको, तो हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए आपके ऊपर वीडियो बना देंगे या आपको बता देंगे। तो आप जो भी हो बताइएगा दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।